हेलो एवरीवन, तो आज हम लगाएंगे बायजू का आरआरबी पीओ का मॉक। और कौन सा नंबर है, आज हम लगाएंगे 17 नंबर मॉक। तो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपने भी लगा लिया है तो बताना क्या स्कोर रहा आपका। और इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम रिलेवेंट लगता है, बायजू का मॉक काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम रिलेवेंट है, तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए एक बार। तो चलो लगाते हैं इसको, देखते हैं क्या रहता है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड वन अबव अनदर इन द अदर इन द स्टैक, वी प्लेस थ्री बॉक्सेस बिलो जी, five boxes are placed between U and G, two boxes are placed between K and V, or eight boxes are placed between T and K, which is placed at the bottom. K placed at the bottom. लिखता हूँ। और two जो है वो K एक V. V is placed three boxes below G. एक दो U और G के बीच में पाँच है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच U। और लेस देन सेवन बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन U एंड T, U और T के बीच में लेस सेवन, U और T। फाइव बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन S एंड T, S और T के बीच में पाँच बॉक्स है। नाइन बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन W एंड S, S विच इज प्लेस्ड एट द टॉप। एस जो है वो टॉप पे रखा है, और एस और टी के बीच में पांच है, और लेस देन सेवन है यू और टी के बीच में, तो ये लेस देन सेवन, लेस देन सेवन बॉक्स आर प्लेस्ड एट बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड के, विच इज प्लेस्ड एट द एट बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन टी एंड के, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये टी ये के, लेस देन पाँच बॉक्सेज हैं एस और टी के बीच में, चार पाँच एस, एक दो तीन चार पाँच बना नहीं सकता। और एस इज प्लेस्ड एट द टॉप, एस टॉप पर है। नाइन बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन डब्ल्यू एंड एस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यू और टी के बीच में लेस देन सेवन है। How many boxes are there? 16. Which of the following boxes is placed between K and W? K or W के बीच में V है। How many boxes are placed between U and S? 2. If N is placed between T and G, N is placed between T and G, which of the following will be correct? 5 boxes are placed between N and V. 5 boxes are N or V? पता नहीं। W is placed above N. 8 boxes are placed between S or N, नहीं पता। U is placed above N, ये फिक्स है। Find odd one, V, W, T, S, U. V, W, T, S और U. तो इसमें क्या होगा, एक इस वन अब आते सभी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, चार छः दस सोलह तेरह, ये और नंबर में रखा है यू। ऑल ओनली अ फ्यू मे आर जून, ऑल जून आर अगस्त, ओनली अ फ्यू अगस्त आर नवंबर, सम जून आर नॉट नवंबर, सम जून आर नॉट नवंबर, नहीं पता, सम अगस्त आर नॉट नवंबर, कुछ अगस्त जो है वो नवंबर नहीं है। Only two. No summer or winter, only a few winter or autumn. Only a few winter or autumn. No summer or winter. All autumn or spring. All autumn or spring. Some summer or spring. नहीं पता। No summer or spring either or.
No clock or watch. कोई भी clock watch नहीं है. Only a few watch are walls. Only a few watch are walls. No clock or watch. All walls are door. All walls are door. Some walls are not clock. Some walls are not clock. ये वाली walls सही है. All doors are watch. All doors are watch. ये नहीं पता. Only one. All one are two. All one are two. Only a few two or three, or only a few three or four. Some one are not three. कुछ one जो है वो three नहीं है, ये नहीं पता. Some four can be two. Some four can be two. Yes. Open. Open यहाँ नहीं है. यहाँ है. यहाँ नहीं है. यहाँ नहीं है. एक ही में है. KM. KM नहीं होगा. ZP नहीं होगा. MP नहीं होगा. YF और NP. YF और NP, DB, KM, ZP, KM यहाँ पर है, KM यहाँ पर है. Hard walk, purpose can open, planning enough set can. ZP, ZP यहाँ पर है, ZP यहाँ पर है. Input walk, planning enough, hard walk, purpose can open walk. Can or walk? यहाँ नहीं है. Can or walk? Can or walk, can or walk. Enough for planning. DB. DB आनी है, DB आनी है, DB एरा और DB एरा. Input, walk, planning enough. Planning enough, can set. Set can. तो, ZP, RB, TM, DB. तो, DB और TM, नहीं, RB. RB. तो, ये तो दो आ रहे हैं. What does TM stand for? TM यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है. Purpose set, double input, input walk, planning enough, input. What is code for planning and double? Planning और तो double ये रहा, यहाँ double नहीं है, यहाँ double नहीं है, double नहीं है. Double GB नहीं होगा, MP नहीं होगा, TM, TM हो सकता है, SV, TM नहीं होगा, SV. और प्लानिंग प्लानिंग यहाँ नहीं है प्लानिंग यहाँ नहीं है प्लानिंग 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 में फिर फंसेंगे. जेड पी आर बी और डी बी आर बी और डी बी में फंसेंगे. एस वी आर बी और एस वी डी बी एस वी आर बी एस वी डी बी. डबल वॉक हार्ड ग्रुप वॉक का जेड पी है हार्ड डबल डबल का आगे निकाला था मैंने. TM नहीं SV SV था डबल का एक मिनट डबल हाँ तो SV हो गया डबल का और ZP हो गया तो SV और ZP SV और ZB SV और ZB SV और ZB YF भी कॉमन है MP और NB निकालना है तो हार्ड ओपन हार्ड ओपन हार्ड और ओपन दोनों यहाँ पर हैं और हार्ड और ओपन कहीं भी नहीं है तो के एम और एम पी नहीं वाई बी वाई बी एफ है एन बी है जेड पी एस वी एन बी और एम पी एन बी और एम पी What is the code for double walk hard group? तो यहाँ पर हो जाएगा एन पी वाई एन एन बी एम पी डबल जेड पी एस वी डबल एम पी का कहीं और भी है तो एन बी का हो जाएगा सेवन
स्टूडेंट अटेंड द सेमिनार ऑन 7 डिफरेंट मंथ्स में और अलग अलग है. 7 डिफरेंट मंथ हैं यहाँ पर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, नवंबर. जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, नवंबर. ओनली 3 स्टूडेंट हैव अटेंड द सेमिनार बिटवीन टी एंड वी, हु अटेंड द सेमिनार आफ्टर टी. वी टी के बाद है, तो टी 1, 2, 3 वी, टी, वी, टी, वी. नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड द सेमिनार आफ्टर वी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंड द सेमिनार बिफोर आर. 1, 2, 3 0, 1. Only one student had attended the seminar between R and U. R or U. R or U. U has attended the seminar after T but before V. U had R and U. Attended the seminar after T but before E. Q has attended the seminar in the month having 30 days. Q. Q. Q रहते हैं यहाँ Q यहाँ. यहाँ पर Q के लिए. The number of students who attend the seminar between VQ is 1, V or Q is 1 less than the number of students who attend the seminar between V and P. V and P. So, the number of students who attend the seminar between V and Q is 1 less than. V or Q ke andar 0 hai, to V or P ke beech mein 1 hoga. Ye P aa gaya. And S has not attend the meeting after P. Iska matlab S P pehle. Who attend the following? Who among the following attend the seminar on 30th April? Who attend? Who attend us, who among the following attend the seminar on 30th April? 30th April. R. Which among does not belong to group STPU, VQ, STPU, VQ, USRP, USRP, US. How many students have attended the seminar between T and U? T or U, which means those students. R and V and S and P interchange their position. R and V, S and P. Then who attend the seminar immediately after P? T. R and V, S and P interchange their position. Then who attend the seminar immediately after R and V? S or P ne attend it. So P ke baad mein T attend karega. Correct batana. S attend the seminar in June. You attend the seminar after R. You attend the seminar after R. Yes, sahi. We attend the seminar in August. Okay, Nina started walking from point B. Nina started walking from point B. After walk. Started walking from point B. After walking 8 km in the east direction, she reached point C. She left and 6 meters to reach point D. 6 meters to reach point D. From there, she turned back to point B through the shortest distance route. Now she start walking in the south direction and after walking 10 km she reach point D. South direction se lag gayi 10 km E. And then she turned left and walked 16 km to reach point F. Then she turned left and walked the distance which is equal to the distance between the point B and D. You reach 10. To ye idhar hi 10 aa gayi. And reach point G. Finally, she turned right and reached point H after walking 8. H is which direction of point F? H, F se kis direction mein? The northeast. Which of the following point are in the straight line? Straight line mein B, C, G, H. B, G, H. What is the shortest distance between point B and D? B or D ki shortest distance 10 ho jayegi.
9 people sitting around a circular table. Some of them are facing inside, some of them are facing outside. इसको बढ़ते हैं. इसके बाद में A B C D E F G H I J K L M N O P Q F A B C D F G H I J K L M N O P Q R P R. ठीक है. If the first and fourth letter of each word are interchanged, meaningful word. First or fourth letter गलती हो जाती है ज़्यादातर. If all the consonants are changed with their preceding letter according to English alphabetical order in each word, then how many have there will have two vowels? Consonant are changed to the preceding letter. C, D, L, K, L, C, D, E, F. Consonant को preceding letter में आना है, have two vowels. एक E, O, M, L, M, L, M, P, Q, R, S. F E F C D E F G F G H I T R S T U V W V W I I G K F G H F G A B C D C D I B Q Q R A B. So two. How many letters are there between the first letter of the word which is third from the left end? Third from the left end ka first letter F and second letter of the word which is third from the right end. Third from the right end ka second letter of the word D. According to the English alphabetical series, to A, B, C, D, E, A ki word hai beech mein. If all the consonants are replaced with their preceding letter and all vowels are replaced with their succeeding letter, then how many vowels are there in the series? Then how many? ये लंबा पड़ेगा. If all the words are arranged according to English alphabetical order from left to right, words को. तो words का मतलब हो गया A B C D E F D I पहले D I फिर D O और F और last में T. Then which of the following is fourth word from right hand? 1, 2, 3 fourth. Generation member, you two married couple. R is the aunt of S. S is the granddaughter of T. S is the granddaughter of T. P is the mother of two children. P is the mother of two children. Q is the mother-in-law of U. S is the daughter of U. S is the daughter of U. U who has no sibling. कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा. There are 8 persons sitting in a row. All are facing towards north. They like different color. Red, black, green, violet. Violet is the snake. 3 people sit between C and the one who like violet. 3 people sit between C and the one who like violet. 3 people. 1 person who sit between F and the one who like grey. F or grey ke beech mein ek person. The one who like red sits second to the right of C. The one who like red sits second to the right of C. 8 log hain. D sits second to the one who like violet. D sits adjacent to the one who like violet. D sits adjacent to the one who like violet. The one who like green sit adjacent to G but not adjacent to C. Green जो है वो adjacent to G बैठता है लेकिन adjacent to C नहीं बैठता. ये बड़ा है, इसको छोड़ते हैं. 9 people are sitting in a circular table. Some of them are facing inside, some of them are facing outside. 9 persons circular table. Some of them are facing inside. Q faces inside. Q faces inside. M sits fourth to the right of Q. 1, 2, 3, 4. M. J sits third to the right of M. J की direction कहाँ है? Q अंदर 1, 2, 3, 4. M. M की direction या तो बाहर है या अंदर है. J sits third to the right of M. 1, 2, J.
More than 6 people sit between Q and J. More than 6 people sit between Q and J. Plus 6. More than 6 people can when counted from the left of Q. When counted from the left of Q, to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes, I am. Yes, I am. G sits third to the left of J. G sits third to the 1, 2, 3, nahi. 1, 2, 3. G sits third to the left of J. One person sits between H and G. One person sits between H or G. X sits second to the right of H. X sits second to the right of H. So, yeah, X sits second to the right of H. And faces the opposite direction of S. And faces on. X sits second to the right of H. X joins the opposite direction of SK. Second to the right of H and face the position of S. Three people sit between X and Manny. 1, 2, 3. Then 1, 2, 3. T sits third to the left of N. T sits third to the left of 1, 2, 3. 1, 2, 3. T sits third to the left of N. And faces the opposite direction of G. T faces the opposite direction of G. N and S faces the opposite direction. N and S faces the opposite direction. The neighbor of J faces the opposite direction. Of J, यंत्र देख रहा है ये बाहर देखेगा. G T की opposite direction बाहर देख रहा है अंदर देखेगा. और क्या बोला? Some of them are moving inside. S यहाँ पर आ गया. X और S की direction लगे. N और S की direction लगे. N अगर बाहर देख रहा है तो S अंदर देखेगा. और X अगर अंदर देख रहा है तो S X बाहर देखेगा. ठीक है. Who sits between X and J? X और J के बीच में T बैठा है. Sits 4 to the right of G. 1, 2, 3, 4, yes. How many people sit between H and N? H or N ke beech mein 2 banne hain. Kidhar gaya? How many people sit between H or N? 1, 2. Ya 1, 2, 3, 4, 5. 5. What is the position of S from N? What is the position of S from N? Second to the left. How many letters are there in alphabetical series between the one who sits second to the left second to the left of Q 1 2 Q and the one who sits third to the right of J 1 2 3 ABCD of G H I J K L M G H I J K L M 5 find the odd one TSGX T JT, J और T की direction opposite, NM, N और M की direction same है. तो ये किया, अब अपन count करते हैं. 3, 4, ये नहीं करूँगा पहले. DI आ गई, DI बना लेता हूँ. Pie chart show the valid vote obtained by 7 candidates of a college who were nominated for post of college secretary. Total vote है 5000. और A, B, C, D, E. तो A का कितना है? It is given that 7% votes are invalid. Total votes ये हैं, तो 7% तो invalid हो गए. तो percentage of valid votes दिए हुए हैं. तो कितने 93 ही valid vote रहेंगे. तो 2020 का टोटल 50 में भी 100% में लेना है तो 90/3/2 चलेगा. ठीक है 93/2 वैलिड वोट ऑब्टेन्ड बाय ए ई एफ टुगेदर. ये किधर है? 16 22 4 12 18 20 ये भी है क्या? ये 8 है. तो ए ई एफ A, E, F, 20, A, 18, 34, 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
20, 26,
sum of the difference between valid vote bada hai. 93 votes of F are shifted to 93 votes of F. F ke jo votes the wo kitne hain? 930 votes hain. Isme se 93 vote idhar kahan gaye? To the home, so that the vote of F and that candidate become equal. इसके तो बराबर होने वाले हैं नहीं, क्योंकि 10 बनेगा ना, तो 93 इंटू 10 है इसके पास, तो 93 इंटू 10 है, देखना पड़ेगा वो 93 इंटू 9, अगर इसमें से मैं निकाल दूंगा तो 10 में से 3 के 7 2 3, हाँ ई. If 50 votes are reduced from votes of each candidate, then find the ratio of remaining vote of D and F together to remaining vote A and E together. The average of vote obtained by B, D, E, F and G together is approximately what percentage of total vote? B, D, E, F, G. B, E, F, G. मुझे एवरेज लेना है तो 16 आ जाएगा, तो एवरेज ऑफ टुगेदर हाउ मच होते हैं, टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स, 16 इंटू 93 बाई इंटू 8. ये टोटल वोट्स का कितना है? टोटल वोट्स तो है 50,000, तो 50 आ जाएगा, तो 4 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा, ये 4 दुनिया 8, ये 25 बार नहीं, 2 से काटेंगे 4 बार, ये 25 आ जाएगा, 35 मतलब 25 में 125, 15%. ये है 25% ऑफ एक्स, एक्स अपॉन 4 माइनस 6 की पावर 2, 36 बराबर 3 3 4, 36 होना जाएगा, 6 4 10 का 0 3 3 6 1 7 370, 0 7 6 28 13 1380, 14 1480, 5/7 × 14/15 × 18, 7 × 14 = 15 3 6 18, 6 का स्क्वायर 5/7 × 14/15 × 17 18 2 3 6 18, 6 × 12 = 12, 144. ये 1225 ये होता है 35 का प्लस 42 30 इसका होता है, तो ये होता है 60 का होता है 3600, 65 का होता है 30 25, 6 7 42 25, 65 माइनस 360 361 19 × 2 19 × 38 हो जाएगी, 5 5 10 का 0 8 6 3 9 1 10, 100 में से 38 जाएगा, तो 100 में से 40 जाएगा 60 2 62, ये क्या है 1 2 3 4 / 2 3 × 9 10 × 9 × 100 ये
7 माइनस 42 5 4 5 से करेंगे तो 9 बन जाए 45 1210 माइनस 13 43 प्लस 422 तो 2 4 2 3 1632 1343 289 17 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21 The bar graph will show the percentage of the marks scored by 2%. चार जाएगा तो 4y स्क्वायर और माइनस ये इधर आएगा तो 8y प्लस 3 बराबर 0 प्लस 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 12 दुना 24 8 3 24 और 4 3 12 12 का मतलब है 6 2 12 तो 2 से कट जाएगा तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16 और 3 9 6 ये दोनों वैल्यूज से बड़ी रहेंगी x बड़ा रहेगा ये हो गया प्लस 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 6 2 12 12 मतलब 4 3 12 15 दोनों 30 30 मतलब 6 5 30 सेम ही है तो ये दोनों बड़े हो जाएंगे y इक्वल ग्रेटर x की वैल्यू यहां पर है 19 y स्क्वायर ये इधर आएगा तो 3y स्क्वायर बराबर 4 में से 1 गया तो 3 13 में से 5 गया 8 7 में 7 गया 0 और ये 1 रहेगा 3 से काटेंगे 3 9 3 3 9 3 एकम 3 y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 19 x बड़ा और बना बन रहेगा ठीक है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बोस परसेंटेज ऑफ टेल कॉम्बो नंबर ऑफ फ्लैट्स टोटल नंबर ऑफ कॉम्बो सोल्ड द परसेंटेज ऑफ टेल कॉम्बो सोल्ड एंड द नंबर ऑफ फ्लैट कॉम्बो सोल्ड टोटल नंबर ऑफ कॉम्बो लगा फ्लैट कॉम्बो टेल कॉम्बो पॉकेट कॉम्बो तो यहां पर टोटल ये है फ्लैट कॉम्बो टोटल है 450, 600, 840 और 500 फ्लैट कॉम्बो है 180, 240, 350, 160 फ्लैट कॉम्बो टेल कॉम्बो पॉकेट कॉम्बो 270, 600, 360 ये 0, 9, 490 ये है 40, 340 परसेंटेज ऑफ द टेल कॉम्बो टेल कॉम्बो आ जाएगा तो टेल कॉम्बो कितना है 20% 20% मतलब 90 30% 6 3 18 180 25% 1 by 4 2 1 0 40% 5 4 20 200 340 140 490 0 8 2 360 18 36 और 270 180 What is the ratio of the number of tail combos sold by shop B to the number of pocket combos sold by shop D? 18, 40, 9, 7. If the number of tail combos sold by shop E is 80 more than the flat combo sold by shop D, flat combo इससे 80 ज़्यादा है यानी 240. The number of flat combos sold by shop E is 320 flat. 300. Number of tail combos sold by shop E ये है 240, ये है 320. And the ratio of total number of combos sold by shop E to shop B is B के अंदर है टोटल 3 2 और इसके अंदर है 4 2 800 ये दोनों हो जाएंगे 0 4 2 6 3 2 560 तो पॉकेट कॉम्बो कितने हो जाएंगे 40 240 द नंबर ऑफ टेल कॉम्बो सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर टेल कॉम्बो ए और सी 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बो सोल्ड बाय डी 500 530 60% इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सोल्ड टू अनसोल्ड पॉकेट combo of sold of pocket combo of shop D is this B के अंदर 5 और 2 7 ये 100 बेचे हैं 40 non बेचे हैं and the ratio of number of sold to unsold flat combo of shop D is 5 और 5 3 flat के अंदर आएंगे 5 और 3 8 2 20 ये 100 और 60 find the difference between the number of unsold flat combo
sold pocket combo 40-20. What is the difference between a number of flat combo sold by shop B and C together? Flat combo B or C 0, 9, 5, and number of tail combo sold by C and D together. C or D 0, 1, 410, 410, 0, 8, 180. इसके बाद ये था ना. The mark I've given shows the percentage of the marks scored by two different persons occupying five different subjects. English, Hindi, Mathematics, Science or Art. यहाँ पर है ये X और Y में कितने कितने मार्क्स लाया. मैक्सिमम ऑफ ये सब्जेक्ट इज 200 मार्क्स है इनमें. तो ये है X और ये है Y. मैक्सिमम 200 मतलब डबल मार्क्स है डिफरेंट सब्जेक्ट में. यहाँ पर है X के तो 120, 72 × 144, 64 × 128, 84 × 168 और 50 × 100, 70 × 140, 60 × 120, 78 × 150, 15 और 64 × 128 और 54 × 108. What is the ratio between the marks scored by X in Hindi and English together? X हिंदी और इंग्लिश 4, 6, 264 and marks scored by Y in science and mathematics together. Science and mathematics 6, 5, 2, 7, 2. तो 4 से काटेंगे 4 × 24, 4 × 24, 4 × 24 = 26, 27, 4 × 36, 3 से काटेंगे 3 × 6, 3 × 6, 2, 3, 22, 23. What is the difference between the marks scored by X in science and Sanskrit? X में science में और Sanskrit में. Marks scored by X in Sanskrit is 48% more than the marks scored by X in art. इससे 48 ज़्यादा हैं, 148 है, तो 20 डिफरेंस आ जाएगा दोनों. If the marks scored by Z in Hindi is 22 more than the marks scored by Y in Hindi. Y के हिंदी में ये है, इससे 22 ज़्यादा है, 150 है. And the marks scored by Z in English is 26 less than the marks scored by Y in mathematics. Y के mathematics में कितने हैं? इसमें से 26 कम है, यानी 130. What is the average of the marks scored by Z in Hindi and English together? Average 0, 5, 3, 8, 2, 140. What is the average marks scored by X in English, Mathematics and Art? English, Mathematics and Art. Art 2, 4, 3, 1, 16. The marks scored by X in Science. X in Science is what percentage of the marks scored by Y in 14 × 14, 14 × 28, 120%. 2 pipe A and B. ये A है, ये B है. 60 मिनट, 75 मिनट. तो 75 × 2, 3, 300 कर लेते हैं. ये 400 और ये 6×5=30. Both the pipe are open together, but after 20 minutes A is turned off. दो 20 मिनट तक दोनों चले, 180 बढ़ दिया, 120 रह गया. और A जो है वो ऑफ हो गया, इसको अब 4 बनेगा. What is the total time taken by B to fill the remaining tank? 30 minutes. Yeah. Simple interest occurred on an amount of 10,000 at the end of 2 years is same as 10,000 pe simple interest 2 saal ke liye R rate par same hai compound interest 8,000 pe at the end of 2 years ke liye. Rate nikalna hai. Interest. A batch of students want to गिफ्ट एक मिनट इसमें क्या था 100% अ बैच ऑफ स्टूडेंट वांट टू गिफ्ट अ वेरिटाइजनर द टीचर ऑफर टू पे 50% मोर देन द स्टूडेंट्स एंड एन एक्सटर्नल मैनिक्योर इज 3 times द टीचर्स कंट्रीब्यूशन हाउ मच स्टूडेंट सबने इन्वेस्ट इतना डिपर शॉपिंग इतना बैंक लैपटॉप इतना बड़े नंबर ये भी स्टार्ट अप इन्हें बाई इन्वाइटिंग सम अमाउंट ratio this after 6 months he joined them with the amount equal to the amount requested by A, B, C 6, 13, 6 month total amount annual 12, 12, 6, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 13, 6 total annual profit 13, 14, 15, 16, 22.
Anush and 60% of the age of Amit, and 1 year hence the average of their age will be this. If the student says 1 year ago the age of Ramesh is 60% of the age of Amit. So 5R minus 5 बराबर 3A minus 3, 5R minus 3A बराबर 2, and 1 year hence the average of their age will be this. 1 year hence इन दोनों का average age है, तो ये है, तो R plus A बराबर 58. तो इसको मैं 3 से लगा देता हूँ, 3R minus 3A बराबर आती है जो इसका जाते हैं are equal length running on parallel trains in the same direction at the rate of Ritna or Ritna. The faster train passes the slower train in 1 second, then find the length of each train. दोनों की length same है और same direction है, तो 52, 62, 62 है, 54 second में pass करती है. तो into 12 into 5 बटे में 18, 54, 12 बजे 60. और C X की वैल्यू आ गई 90. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 90. राम इंक्रीजेस हिज स्पेंड स्पीड बाय 25% इज ऑफ 20 मिनट अर्लियर, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही डिक्रीज एज यूजुअल. 3 4 9 28 दिस तो इनटू 1 प्लस 1 इनटू 2 प्लस 2 नहीं प्लस 1 इनटू 3 प्लस 1 इनटू 4 प्लस 1 नहीं है 0, 1, 4, 15, 60, 15, 4, 60, into 3, 6, 5, 30, 2, into 4, 60 into 5, 7, 300, 300 में 25 जोड़ रहे, into 1 plus 1, into 2 plus 2, into 3 plus 3, into 4 plus 4, 60 गलत है, 9, 20, 53, 107, into 2 plus 2, into 3, प्लस 7 माइनस 7 ये 18 है, 13 में 3 5 में 35 7 में 3 किया 4 5 54 और 5 में से 7 गया 8 और ये आएगा 78 18 78 9 99 यार 21 25 57 into 2 into 1 plus 4 into 2 plus 7 into 3 7 3 7 3 21 का एंसर लगेगा 171 186 into 4 4 जगह रेस करते हैं तो 18 72 73 74 744 plus 16 तो 4 7 यहां कुछ गड़बड़ है सेकंड ग्रुप में और सही है सेकंड 57 30, 32, 38, 55, 70 तो 30 और 32 2 जुड़ रहा है 8 जुड़ रहा है 6 जुड़ रहा है 32, 38 और 55 7, 17 जुड़ रहा है उसके बाद 55 और 70 55, 65, 15 30 और 42 2, 2 into 1 1 into 2, 2 into 3 हाँ ये वो है तो यहाँ गलत है थर्ड ग्रुप में 1 external bench factor gives 3 times the teacher's contribution. इसका 3 times. इसका 3 times. तो 0, 0, 3, 3, 9, 6, 3, 18. Then how much should the teacher donate?
ये था, इसमें रीजनिंग में एक गलत हुआ है और क्वांट में तीन गलत हो गए। ठीक है, आपने लगाया तो आप भी बताना कितने मार्क्स आए, कितना आए अपने 54 परसेंटाइल, 87 है एक्यूरेसी। ठीक है, थैंक यू।